पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना जारी करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की इस नई किश्त में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और 9,75,00,000 किसानों का इससे फायदा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ ही लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की किस्त को जारी किया जाना है। देखिए, पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त किसानों के खाते में जारी कर दी गई है और अब किसानों के खाते में 13वीं किस्त के बाद 14वीं किस्त जारी करने की बारी है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप चाहते हैं कि किस्त का लाभ आपको मिलता रहे तो इसके लिए आपको EKYC भूलेख सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं केवल पात्र किसानों को ही दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार किसानों को बेसब्री से है, जिसका इंतजार अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त किसानों के खाते में पीएम मोदी DVD के माध्यम से जारी करेंगे, जिसके तहत करीब 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम नरेंद्र मोदी DVD के माध्यम से एक क्लिक में जारी करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि किस का लाभ आपके खाते में मिल जाए, इसके लिए आपको अपनी EKYC भूलेख सत्यापन, भौतिक सत्यापन, वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में आइए जानते हैं क्या आपको 14वीं किस्त का लाभ मिलेगा। देखिए, यदि आपने अपनी EKYC तथा 13वीं किस्त का लाभ पाया हुआ है तो आपके खाते में 13वीं किस्त का पैसा मिला है तो 14वीं किस्त का पैसा अनिवार्य रूप से मिल ही जाएगा। धन्यवाद।